इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने की इजाजत दे दी गई है। शर्त ये रखी गई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 लोग हाथरस जा सकते हैं। यूपी सरकार ने राहुल और प्रियंका को मंजूरी दे दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 लोग जा सकते हैं हाथरस। पुलिस ने रोड को पूरी तरह बंद कर दिया है। डीएनडी पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम में इस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की गाड़ी फंसी हुई है। प्रियंका खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही हैं। दिल्ली से करीब करीब 150 किलोमीटर दूर है हाथरस, जिसके लिए प्रियंका और राहुल अपनी ही गाड़ी से रवाना हुए और उनके पीछे एक बस थी जिसमें 35 कांग्रेस के सांसद मौजूद थे। हालांकि इस वक्त राहुल और प्रियंका गांधी को इजाजत दे दी गई है हाथरस जाने के लिए और कहा गया है कि 5 लोग राहुल प्रियंका समेत सिर्फ हाथरस जा सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीएनडी के पास की, ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं जाम है लंबा जहां पर प्रियंका की गाड़ी फंसी हुई है। जावेद चौधरी हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। जावेद, इस वक्त की अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं, राहुल और प्रियंका हाथरस जा रहे थे, इजाजत मिल गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैं बता दूं कि लाइव टुडे पहले भी एक बार बताया था कि राहुल और प्रियंका का मानना था कि किसी भी हालत में आज वो हाथरस जाकर रहेंगे, क्योंकि पहले जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने उनको हवाला देते हुए, प्रशासन का हवाला देते हुए, चौलीस का हवाला देते हुए उनको रोकने का कार्य किया था। तमाम जो कांग्रेस के जो नेता है, सांसद है, सांसद और तमाम कांग्रेस नेता है, तुरंत हाथरस के लिए डीएनडी दिल्ली से डीएनडी के द्वारा उन लोगों को हाथरस जाना था, उसी के चलते तमाम यहाँ पर इतने शासन प्रशासन उनको धक्का मुक्की हुई है। काफी तादाद में इन लोगों को हंगामे क्यों किया है इस बात को लेकर जैसे ही शासन की तरफ से एक आदेश आया कि 5 लोग यहाँ से हाथरस जा सकते हैं, उसको लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के चलते 5 थोड़ी सी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी भी है, कहीं दुख भी दिखाई दिया है, क्योंकि जो अन्य 35 जो सांसद थे उन सबको जो बस में लगातार उनके पीछे चल रहे थे उन लोगों को रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बता दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी प्रियंका गांधी 35 सांसद और काफी तादाद में जो कार्यकर्ता लगातार यहाँ से दिल्ली जो डीएनडी से होते हुए हाथरस जाना था उन सबको रोक दिया गया है। अब अपनी अपनी ही गाड़ी से, यानी कि जो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, वो लोग अपने 5 लोग अब हाथरस जा रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं में खुशी भी दिखाई है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात को सरकार से बनवा लिया है, क्योंकि उनको लगातार प्रयास था कि पूरे परिवार से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और जिस तरीके से बड़ी परिवार से जो उनके साथ जो घटना जो घटना घटी है उसको लेकर उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी मन की बात को साझा करेंगे। जी वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जावेद, ये पता चल रहा है कि भारी जाम वहां पर डीएनडी पर लगा हुआ है, जाम की इस वक्त क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जैसे बता दूं कि राहुल प्रियंका की जैसे सूचना मिलती है कांग्रेस के तमाम तरह के कार्यकर्ता डीएनडी पहुंच गए, वहां पर जाम की स्थिति पैदा हुई, यानी कि 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। जाम के चलते काफी जिला प्रशासन को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। शासन स्तर से अगर बात की जाए तो राहुल प्रियंका को लेकर डीएनडी पर बैरिकेडेड लगा दी, जो दिल्ली यूपी बॉर्डर से सटे हुए जो एरिया है वहां पर बैरिकेडेड लगाकर उनको सबको रोक दिया गया था, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई थी। बावजूद इसके कि जिस तरीके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोर खरोश दिखाई दिया कि हाथरस जाना है तो जाना है, उसको लेकर लंबा जाम लग गया और सांसद में 2 से 2.5 किलोमीटर तक का जो लंबा जाम लगा है, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में थोड़ी खुशी दिखाई दी है, क्योंकि सरकारी तरफ से 5 लोगों को वहां जाने की परमिशन मिल गई, यानी अपनी गाड़ी से 5 लोग अब यहाँ से रवाना हाथरस हो जाएंगे। जी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया जावेद आपका। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि राहुल और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दे दी गई है।